बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट। ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इस हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इससे रेलिवेंट होते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो फैक्ट्स हैं वो दिलचस्पी से भरपूर हैं कि ये दो लाइंस जो हैं वो हमारी ज़मीन को किस तरह तकसीम करती हैं और इन लाइंस की जो डिवीजन होती है उसके जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारी ज़मीन के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस सेशन में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से देखेंगे कि वो उसे क्या कहते हैं और हमारी ज़मीन को किस तरह तकसीम करते हैं और उनकी वजह से जो हमारी ज़मीन की डिवीजन होती है उसके डिवीजन से हमारी ज़मीन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और कौन कौन सी चीजें उससे रेलिवेंट हैं। तो हम देखेंगे कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसे कहते हैं और उनकी कंपोजिशन या लोकेशन किस तरह होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से जो हेमिस्फीयर्स बनते हैं यानी कुर्रे अर्ज बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो हमारी जमीन को कौन कौन से कुर्रे अर्ज में तकसीम करते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके साथ हम देखेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और इससे रेलिवेंट जो टॉपिक्स बनते हैं उस हवाले से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। और आज का सेशन देखने के बाद आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से जितने भी प्रीवियसली आपके जहन में कंसर्न्स थे या जितने भी मिसकंसेप्शन थी वो सारी के सारी आपकी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगी और आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे और एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक जो इस हवाले से होगा वो उसको आप मिस नहीं कर पाएंगे और आप इसको हमेशा के लिए अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसे कहते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी जमीन को डिवाइड करती है ईस्ट एंड वेस्ट और वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वाकई होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर हमारी जमीन को ईस्ट एंड वेस्ट में जो है अक्रॉस जो है वो डिवाइड करता है और इसकी लोकेशन जो होती है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। इक्वेटर हमारी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक वो वाला हिस्सा जो इक्वेटर के नॉर्थ में या अपर वाली साइड पे होता है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उर्दू में शुमाली कुर्रे अर्ज कहते हैं। दूसरा वो हिस्सा जो इक्वेटर के साउथ में या नीचे वाके होता है और इस हिस्से को सुदरन हेमिस्फीयर या जनूबी कुर्रे अर्ज कहते हैं। तो इस तरह इक्वेटर की लाइन हमारी जमीन को दो खित्तों में तकसीम करती है, एक शुमाली कुर्रे अर्ज और दूसरा जनूबी कुर्रे अर्ज। इक्वेटर के बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारी जमीन को इक्वेटर की तरह ही डिवाइड करती है लेकिन इसकी डिवीजन और लोकेशन मुख्तलिफ होती है। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है यानी एक कुतुबैन से लेकर दूसरे कुतुबैन तक जाती है और इस डिवीजन से हमारी जमीन के दो खित्ते बन जाते हैं। इस लाइन को कहते हैं जनाब प्राइम मेरिडियन और इस लाइन की डिवीजन से भी हमारी जमीन दो खित्तों में तकसीम हो जाती है, एक वो हिस्सा जो इसके वेस्ट में होता है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर या मगरबी कुर्रे अर्ज कहते हैं और दूसरा वो हिस्सा जो इसके ईस्ट में होता है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर या मशरकी दुनिया कहते हैं। या आप सिंपल वे में आप यूं कह सकते हैं कि इससे हमारी जमीन मशरकी दुनिया और मगरबी दुनिया में तकसीम होती है और वो वाले खित्ते और ममालिक जो इसके मशरक में होते हैं वो मशरकी दुनिया कहलाते हैं और वो वाले हिस्से जो इसके मगरब में होते हैं वो मगरबी दुनिया कहलाते हैं। तो इस तरह इक्वेटर के बाद प्राइम मेरिडियन हमारी जमीन को इस तरह तकसीम करती है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को इंडिविजुअली देखने के बाद इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को इंडिविजुअली और सेपरेटली देखने के बाद आइए अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह की डिवीजन इन दोनों लाइन की वजह से मार्जे वजूद में आती है। तो फर्स्ट लाइन इक्वेटर थी जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वाकई थी और ये हमारी जमीन को शुमाली कुर्रे अर्ज और जनूबी कुर्रे अर्ज में तकसीम करती है, जबकि दूसरी लाइन जो हमने देखी थी जो प्राइम मेरिडियन कहलाती थी और वह हमारी जमीन को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी मशरकी दुनिया और मगरबी दुनिया में जो है वो तकसीम करती थी। तो ये अब इन दोनों लाइन को अगर मिलाया जाए तो हमारी जमीन की डिवीजन इस तरह बनती है यानी एक मशरकी दुनिया और मगरबी दुनिया में डिवाइड करती है जबकि दूसरी शुमाली कुर्रे अर्ज और जनूबी कुर्रे अर्ज में तकसीम करती है। इसके साथ साथ अगर आप इन चारों खित्तों के अलावा कुछ देखें तो आपको यह नजर आएगा कि कुछ खित्ते ऐसे भी हैं इन एरियाज में वाकई होते हैं और इन एरियाज को क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज कहते हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न इसलिए कहते हैं कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, लिहाजा इसे नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज
कहते हैं। इसी तरह वो खित्ते जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं उन्हें साउथ वेस्टर्न कहते हैं। ये इक्वेटर के साउथ में पाए जाते हैं और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पाए जाते हैं, लिहाजा ये वाला रीजन जो है ये साउथ वेस्टर्न रीजन कहलाता है। इसके साथ अगर हम इस खित्ते को देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाता है। ये इक्वेटर के नॉर्थ में पाया जाता है जबकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पाया जाता है, लिहाजा इस मुनासबत से इन एरियाज को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज कहते हैं। जबकि लास्ट में जो हमारे पास एरिया आता है वो साउथ ईस्टर्न एरियाज कहलाते हैं। ये इक्वेटर के साउथ में पाए जाते हैं और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पाए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से इन एरियाज को साउथ ईस्टर्न एरियाज कहते हैं। अब मुझे यकीन है कि आप इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन और उससे रेलिवेंट जितनी भी डिविजन्स हैं और हमारी जमीन की जो तकसीम है मुख्तलिफ रीजन्स और कॉन्टिनेंट्स की जो तकसीम है उससे आप बाखूबी वाकिफ हो चुके होंगे और आपके जहन में एक तस्वीर बन चुकी होगी कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर हमारी जमीन को डिवाइड करते हैं तो हमारी जमीन किन किन खित्तों में तकसीम हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि इक्वेटर के साथ वो कौन सी और लाइंस हैं जो कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं और उनकी लोकेशन क्या है और वो हमारी जमीन को किस तरह तकसीम करती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर वाके है और इक्वेटर जो है वो हमारी जमीन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इसके बाद कुछ और लाइंस भी होती हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल हमारी जमीन को डिवाइड करती हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। उनमें ये लाइंस जो कि 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसकी लोकेशन है 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इसी के पैरेलल अगर हम साउथ की तरफ जाएं, इक्वेटर के साउथ की तरफ जाएं, तो 23.5 साउथ में एक और लाइन डिवाइड करती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और ये 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ में और साउथ में पाई जाती हैं। वो वाले खित्ते जो कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में यानी इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं इन एरियाज को ट्रॉपिकल एरियाज या ट्रॉपिकल रीजंस कहते हैं। द रीजन बिटवीन ट्रॉपिकल्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन, इन्हें ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन्स कहते हैं। और इन इलाकों में वो एरियाज शामिल हैं जहां पे सूरज साल में एक दफा सर के ऊपर होता है। उसके अलावा इन इलाकों की आबो हवा की बात की जाए तो गर्म और मरतूब आबो हवा होती है जबकि इन इलाकों में नमी का तनासब भी ज्यादा पाया जाता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स, उनके हवाले से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स के हवाले से मखसूस है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर एक और लाइन पाई जाती है, एक और खित्ता पाया जाता है जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं और इसकी जो लोकेशन होती है वो 66.34 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। और अगर हम इसी के पैरेलल इक्वेटर के साउथ में चले जाएं तो 66.34 साउथ ऑफ इक्वेटर में जो रीजन पाया जाता है, जो खित्ता पाया जाता है उसे एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं जो कि कुतबैन के या साउथ पोल के नजदीक तरीन रीजन होता है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ मोस्ट की तरफ जाते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ मोस्ट की तरफ जाते हैं, तो वहां पर जो खिता पाया जाता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं जो कि इक्वेटर के 90 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। नॉर्थ पोल के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि नॉर्थ पोल को डिस्कवर किसने किया था और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने यहां याद रखना है कि नॉर्थ पोल को एक नेवी के इंजीनियर थे, इनका ताल्लुक यूएसए से था और उनका नाम था रॉबर्ट ई फेरी। उन्होंने 6 अप्रैल 1909 को डिस्कवर किया था। अगर आप इस नाम को इंटरेस्टिंग वे में याद करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एनपी और आरपी की एब्रीविएशन को अपने जहन में क्लिक कर लें, जहां पे एनपी फॉर नॉर्थ पोल एंड आरपी फॉर रॉबर्ट ई फेरी। तो एनपी और आरपी को अगर आप याद रखेंगे तो आप नॉर्थ पोल और उसके डिस्कवरर के नाम को हमेशा के लिए जहन नशीन कर लेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है नॉर्थ पोल के हवाले से, इसकी डिस्कवरी के हवाले से जो आपने जहन नशीन करनी है वो ये है कि नॉर्थ पोल पहले डिस्कवर हुआ था साउथ पोल से, यानी ये 6 अप्रैल 1909 को डिस्कवर हुआ था जबकि साउथ पोल इसके 2 साल के बाद डिस्कवर हुआ था। लिहाजा इस डिफरेंस को आपने अच्छे तरीके से माइंड में क्लिक करना है, आपने मिक्सअप नहीं करना। नॉर्थ पोल पहले डिस्कवर हुआ था 1909 में जबकि साउथ पोल उसके 2 साल बाद 1911 में डिस्कवर हुआ था। नॉर्थ पोल के बाद अगर हम उसी के पैरेलल इक्वेटर से साउथ मोस्ट की तरफ चले जाएं तो जो रीजन उस इलाके में पाया जाता है उसे साउथ पोल कहते हैं और इसकी लोकेशन बनती है
90 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, जो कि 90 डिग्री साउथ में पाया जाता है इक्वेटर के। अब साउथ पोल की बात की जाए डिस्कवरर की, तो उसे नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोनाल्ड अमंडसन ने डिस्कवर किया था, और ये डिस्कवरी उन्होंने की थी 14th ऑफ दिसंबर 1911 में। पहले आपको बता चुका हूं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल के बाद डिस्कवर हुआ था, और डेट थी 14th ऑफ दिसंबर 1911, और उसको डिस्कवर करने वाले का ताल्लुक जो था नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था रोनाल्ड अमंडसन। तो ये इस नाम और ये जो डेट है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको जैनिशिन करना है। अब इस नाम को आप इंटरेस्टिंग वे में कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप रास्प की अब्रीविएशन को जैनिशिन कर लें, यहाँ पर आर ए स्टैंड फॉर रोनाल्ड अमंडसन एंड एस पी फॉर साउथ पोल, या आप इनको अलग अलग करके जैनिशिन कर लें आर ए एंड देन एस पी, आर ए फॉर रोनाल्ड अमंडसन एंड साउथ पोल। तो इस तरह आप इनको चाहे तो इकट्ठा भी जैनिशिन कर सकते हैं, या चाहे तो इनको अलग से भी जैनिशिन कर सकते हैं। लेकिन मैं दो रीकैप करा देता हूं कि नॉर्थ पोल पहले डिस्कवर हुआ था और 6 अप्रैल 1909 को, जबकि साउथ पोल उसके 2 साल के बाद 14th ऑफ दिसंबर 1911 को डिस्कवर हुआ था। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ईयर ऑफ डिस्कवरी और उनके डिस्कवरर के जो नाम है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लिहाजा आपने इन चीजों को अच्छे तरीके से जैनशीन करना है। इक्वेटर और उससे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो देखने के बाद, आइए अब हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन के जो पैरेलल, उससे रेलिवेंट जो उससे मुतल्लिका लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, वो हमारी जमीन को कैसे तकसीम करती है। तो सबसे पहली जो लाइन जो प्राइम मेरिडियन, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वाकई होती है, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है, और इसकी लोकेशन होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये हमारी जमीन को दो खित्तों में तकसीम करती है, एक हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरह इक्वेटर के पैरेलल मुख्तलिफ लाइंस ऑफ डिवीजंस हमारी जमीन को लैटिट्यूडनल वाइज डिवाइड करती हैं, इसी तरह प्राइम मेरिडियन के पैरेलल भी कुछ लाइंस हमारी जमीन को लॉन्गिट्यूडनल वाइज डिवाइड करती हैं, और उनका जो कंपोजिशन और लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह बनती है। जैसे कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है, तो उससे पैरेलल फिर ईस्ट और वेस्ट में ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारी जमीन को तकसीम करती हैं, और इनके जो डिग्रीज बनते हैं वो इस तरह होते हैं 20 डिग्री ईस्ट एंड 20 डिग्री वेस्ट। देन नेक्स्ट जो लाइंस होती हैं वो 40 डिग्री ईस्ट एंड देन 40 डिग्री वेस्ट, और इसको फर्दर आगे चले जाएं तो 60 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट, और अगर मजीद आगे चले जाएं तो 80 डिग्री ईस्ट एंड 80 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह ये सिलसिला हमारी जमीन को चारों तरफ से डिवाइड करता है, और हमारी जमीन 360 डिग्रीज में तकसीम हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स किस तरह एक वेब के सिकल में हमारी जमीन को मुख्तलिफ डिग्रीज में ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करती हैं। ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, इन्हें मेरिडियंस कहते हैं, और ईस्ट मेरिडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, हर मेरिडियन जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है, और टोटल डिस्टेंस जो इन डिग्रीज में डिवाइड होता है, जैसे 180 डिग्री आपको ये सामने नजर आ रहा है, तो अगर इसको हम चारों तरफ लेके जाएं तो ये 360 डिग्री बनता है, यानी ये लाइन जो होती है वो हमारी जमीन को 360 डिग्रीज में तकसीम करती हैं, और इन 360 डिग्री से जो हमारे टाइम जोन्स बनते हैं, और हर 15 डिग्री के बाद जो है वो एक टाइम जोन होता है, तो इस तरह 360 डिग्री में जो हमारे टाइम जोन बनते हैं वो 24 टाइम जोन बनते हैं, जो हमारे पूरी वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो हमारी जमीन के डिस्टेंस जो है वो 360 डिग्रीज में डिवाइड होता है, और फिर टाइम जोन जो होते हैं वो उसे 24 टाइम जोन बनते हैं, और आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज ऑफ ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन देयर इज अ डिफरेंट टाइम जोन, और जो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो फर्दर 60 मिनट्स में डिवाइड होते हैं, और 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर और 69 माइल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में इसको लॉक करना है कि जो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड होता है उसकी कितनी जो है वो लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर और 69 माइल्स। बहुत अच्छे तरीके से दोनों फिगर आपने याद करने हैं, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है। ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से होती हैं, ये इक्वेटर में यानी जो सेंटर जो होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, वहां पे ये वाइड होती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेटर की जगह पे ये वाइड है, और जो ही ये पोल्स की तरफ जाती है तो इनकी विड्थ जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का जो सेपरेटली हमने स्ट्रक्चर देखा था,
उसको हम इकट्ठा करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी जमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इससे क्या तस्वीर सामने आती है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स इकट्ठी शामिल हैं और ये हमारी ज़मीन को जब इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों से तकसीम करती हैं तो एक वब की शिकल में हमारी ज़मीन तकसीम हो जाती है। यहाँ पे जो ब्लैक में जो आपको दो मेजर लाइंस नज़र आती हैं वो एक है इक्वेटर जबकि दूसरी जो है वो प्राइम मेरिडियन है, जबकि इक्वेटर की जो पैरेलल लाइंस हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ में नज़र आती हैं, येलो कलर में नज़र आती हैं, जबकि जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल हमें रेड लाइंस में नज़र आती हैं जो हमारी ज़मीन को 20, 40, 60, 80 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट में नज़र आती हैं। तो इस तरह ये मिलाकर हमारी ज़मीन को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स मिलकर हमारी ज़मीन को तकसीम करते हैं। अब ज़हन में सवाल ये आता है कि इन लाइंस की डिवीजन का या इनकी इम्प्लीमेंटेशन का मकसद क्या है। तो यहाँ के अगर आप गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि इन लाइंस के बीच में अब हमारी ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ खित्ते उनमें तकसीम हो गए हैं, यानी वो डिवाइड हो गए हैं और मुख्तलिफ जो लोकेशंस हैं वो मुख्तलिफ रीजन्स या वेब के अंदर नज़र आते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि ये हमारी ज़मीन को एक तो टाइम जोन्स में तकसीम करते हैं, इस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारी ज़मीन को 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं और आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज वेस्ट और ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन देयर इज अ डिफरेंट टाइम जोन, अलग टाइम जोन होता है। और इस तरह 360 डिग्री को अगर आप 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 24 टाइम ज़ोन्स बनते हैं जो हमारी इस पूरी ज़मीन पर अप्लाई होते हैं। दूसरा, इस ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं इसकी मदद से आप किसी भी मुल्क या किसी भी जगह की जो प्रिसाइज लोकेशन है उसको आप मालूम कर सकती हैं कि फलां जगह कितने डिग्री नॉर्थ या साउथ में पाई जाती है, कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं। तो टाइम ज़ोन और एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट। मेरे चैनल ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहे। आने वाले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।